फाइनली दोस्तों कोकराझार से कोकराझार गेलेपु भूटान और वहाँ सरल पारा भूटान, उसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ भैरवकुंड भूटान, वहाँ पर भी घुसूंगा, वहाँ का भी वीडियो बनाऊंगा, वहाँ का वीडियो आपको दिखाऊंगा, वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा। ये जो रास्ता है सीधे जाता है भैरवकुंड की ओर, और वहाँ का मार्केट कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, पेट्रोल का प्राइस कितना है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और जो कहाँ जाना पड़ेगा, मतलब भूटान अगर आपको घूमना है तो कौन सी जगह बेटर रहेगा, वो भी लास्ट में एनालिसिस करके आपको बताएंगे, हम आपको बताएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। और आप अपने बजट के अनुसार अगर आपको घूमना है तो उसी जगह में ही जाइए जहां पर आफ्टर एनालिसिस के बाद जो वीडियो डालूंगा उसमें जाइएगा, क्योंकि मैं गेलेपु गया वहां पर भी कुछ इतना खास भी था नहीं, और जो सरल पारा वहां सरपंग बोल के भूटान वहां गया वो भी उतना कुछ खास था नहीं। वो बाप इतना बड़ा गड्ढा यार नीचे। तो अभी इधर जाएंगे, जो हम जा रहे हैं इधर भैरवकुंड, वहां देखते हैं वहां कैसा है। सुनने में आया कि भैरवकुंड और असम और अरुणाचल तीनों ही बॉर्डर एक ही जगह पर लगा हुआ है, तो वो थोड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहां पर तीनों स्टेट के लोग जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम और जो वहां के हैं सॉरी दो स्टेट के लोग, जो वहां के लोग नहीं है। तो अभी जाएंगे जाके आपको बताएंगे कि अंदर होता कैसा है और क्या है। ओके, तो वीडियो तो जस्ट वीडियो बना हूँ आज, अभी कितना टाइम में बन रहा है, पर लेकिन जब वहाँ पहुँचूंगा तभी आपको सारा चीज़ दिखा पाऊंगा। अब तो भैरवकुंड जाने के लिए अगर आप लोग कोई गुवाहाटी से आ रहे हो या फिर कोई बाहर स्टेट से आ रहा है, तो गुवाहाटी होकर आ रहे हो तो आपको उदलगुड़ी होकर सीधा आ सकोगे। तो अगर कोई अपर आसाम के हैं, जो उधर के हैं, जो डिब्रुगढ़ होकर अरुणाचल प्रदेश होकर, जो भी जो तेजपुर होकर आता है या फिर जो नौगांव होकर तेजपुर होकर जो भी आना चाहता है, तो उनके लिए क्या है कि वो उदलगुड़ी नहीं पहुंचने से भी वहाँ एक रास्ता है जो कि भूटान की ओर जाता है, तो वहाँ से आप लोग घुस सकते हो। लेकिन अगर उदलगुड़ी चूज करोगे तो दैट विल बी वेरी बेटर फॉर ईच एंड एवरीवन, बिकॉज द रोड इज वेरी गुड दिस साइड, बट वहाँ पर थोड़ा बहुत फोटो सब है उबड़ खाबड़ है, तो उसके चलते वहाँ पर तो बाइक राइडर्स के लिए ठीक है, लेकिन बस ये जा रहा हूँ इधर बैठे हैं सब, देखो महिला लोग। फाइनली आफ्टर 14 कितना मिनट लग गया हमें, करीबन आधा घंटा नहीं लगा हुआ, बस ऐसे 20 मिनट का आसपास लग गया। तो अब हम पहुंच गए हैं भूटान, और अरे पास ये एक ब्रिज है, ये जो दिख रहे हैं ये जो सीन है ये बहुत ही फेमस है, सारे तो वगैरह कुछ कुछ करना यही करते हैं सब, ये बहुत ही फेमस है। जो पिकनिक स्पॉट भी है यहाँ पर वो है भैरवकुंड पिकनिक स्पॉट, और ये है आपका भूटान इस तरफ, ये सारा। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि अंदर जो सिक्योरिटी है वो लोग क्या डॉक्यूमेंट लेते हैं यहाँ पर, और जाने का प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, सब कुछ मैं आपको करके बताता हूँ। अभी यहाँ से शायद लेफ्ट, हाँ यहाँ से लेफ्ट लेना है, इधर है यहाँ से लेफ्ट लेना है इसे करके। अब देख पिकनिक स्पॉट यहाँ दिख के लिखा हुआ है, ये पिकनिक स्पॉट इधर पास में कहीं पर होगा, तो हम ले रहे हैं ये जो रास्ता है, इधर जा रहे हैं हम लेफ्ट ले रहे हैं। और ये हो गया आपका भैरवकुंड, नहीं वो जो दिख रहा है आपको वो भी वो जो दिख रहा है वो भी आपका इंडिया ही पड़ता है, और ये भी गेट है, यहाँ से हमें एंट्री करना पड़ेगा। यहाँ से एंट्री करते हुए हम अंदर घुसेंगे, अंदर घुस के हम आपको बाकी का चीज दिखाएंगे आपको। वेट अ मिनट, ये जो दिख रहा है सारा इंडिया है, उधर पूरा इंडिया है, ये गेट है, यहाँ से हमें एंट्री करके ये जो वे भी और ना चला है, उसके बाद आगे चलते हैं, हम आपको अंदर का व्यूज दिखाएंगे। अभी यहाँ पर हमें एंट्री करना पड़ेगा, उसके बाद उनका पहले परमिशन लेते हैं कि वो एंट्री क्या वाला वीडियो को कर सकते हैं नहीं। तो क्या हुआ कि फाइनली एंट्री तो हो गया, पर क्या है वो नहीं दे रहे थे, वो वीडियो शूट करने के अलाव नहीं है, परमिशन नहीं है, तो सिर्फ ये दो चाहिए, सिर्फ वोटर कार्ड लेके आना है और अंदर जमा करना है आपको, एक गेट है वहाँ पर, वहाँ जमा होता है। और चलिए ठीक है, आगे अंदर दिखाता हूँ मैं कि आगे कैसे क्या होता है। ये गेट के अंदर ये छोटा मोटा बस्ती है, ये भी इंडिया है। अब मेन गेट हो गया, वो आगे जो दिख रहा है वही है मेन गेट, यहाँ से ही इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट होता है। अभी हम यहाँ पर अपना गाड़ी को पार्क करेंगे, पार्क करने के बाद वहाँ पर एंट्री करेंगे, अपना एंट्री बनाएंगे, अपना पास बनाएंगे, पता नहीं क्या देने वाले हैं, फिर उसके बाद हम अंदर जाते हैं और अंदर आपको फिर से कुछ कुछ नज़ारा अंदर दिखाएंगे। हाँ अभी क्या क्या चाहिए अंदर जाने के सर? नहीं नहीं ऐसे बस रिकॉर्ड हो रहा है, ओके।
फाइनली यहाँ पर यही दौड़ा चाहिए को हो, यही चाहिए, इसी को चाहिए, लाइसेंस चाहिए और साथ में आरसी बुक भी मैंडेटरी है। ओके, तो आप लोग जब भी आते हो अपना सारा कुछ लेके आइए, आरसी वगैरह जो भी है सब कुछ। अभी हम इधर से अंदर जा रहे हैं, तो अंदर क्या रूल है कि ड्राइव के समय में मोबाइल नहीं चलाना बोलता है, तो हम नहीं चलाएंगे। अभी यहाँ से फोन रख रहे हैं हम। यहाँ फाइनली उतरा पहुंच गया था पेट्रोल पंप से, जहाँ सस्ते पेट्रोल पहुंचा। अभी केटी इतनी रामी सुंदर केटी था, बोले भानियो कि यहाँ एंट्री करने में गाड़ी यहाँ रखे रहा, यहाँ रखे रहा, यहाँ एंट्री कर पाने का था नहीं। तो यो होला एंट्री करने ऑफिस, तो मैं यहाँ एंट्री कर आगे बढ़ु। यो मेरो आरसी लिएर जाँदैछु, यता गाडी छ यहीँ खडा पारेको छु मेरो बसन्तीलाई, र यो काउन्टर छ, यता गएर एन्ट्री गर्नुपर्ने हो। र माथि तपाईँको के छ देखाउँछु, उसको लागि बसिराख्नु होला। यता रिजर्भ कस्टम, यता कता काउन्टर रोयल भुटान पुलिस, यतापट्टि होला कि कता हो, यता छ अफिस। यहाँबाट यसो गरेर यता आउँदाखेरि भित्र पस्दा सो भएर आउने, उता माथिसम्म जान दिन्छ, यता अफिस यहाँ हो। यहाँ एन्ट्री हुँदैछ मेरो, र यहाँ आउनुपर्ने हो काउन्टर नम्बर 1, काउन्टर नम्बर 2, जहीँ पनि आएर एन्ट्री मिलाउन सकिन्छ, एन्ट्री गर्न सकिन्छ। र यहाँ गाडी लिएर आउनेलाई मात्रै एन्ट्री गर्नुपर्ने हो, र पैदल आउनेलाई त गेटमा मात्रै एन्ट्री गर्नुपर्छ। र हमेसा ओरिजिनल कार्ड चाहिँ बोकाले मिल्दैन, यहाँ पस्न पनि मिल्दैन। र पासपोर्ट हुँदा पनि हुन्छ है, भोटर कार्ड नहुँदा पनि? भोटर कार्ड चाहिन्छ नि। ओके ओके, पासपोर्ट मिल्दो रहेछ, भोटर कार्ड मात्रै चाहियो। पछि चाहिँ यस्तो खालको एउटा कार्ड पाइन्छ, यहाँको भिजिटिङ कार्ड भन्दा पनि हुन्छ। यो भयो भने मात्रै तपाईँ भित्र यताउता कतै घुम्न सक्नुहुन्छ है त ल। र यो कार्ड हमेसा लिएर आउने हो, आफ्नो ओरिजिनल डकुमेन्ट बोकेर आउने हो, र यहाँभित्र पस्न दिन्छ, नभए अरू अन्त तपाईँलाई कतै 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 पनि पस्न दिँदैन। यता माथि छ, माथि हेर्नुपर्छ के छ जग्गा ल, कस्तो छ। अहिले जान्छु र तपाईँलाई देखाउँछु, बस म गाडीमा बसेँ, लेट्स गो इनसाइड व्हाट विल ह्यापन सी। इन्ट्रेस्टेड टुर भयो भन्दा पनि लगभग लगभग बहुत बहुत किलोमिटर बहुत आइसकेँ, बहुत माथिसम्म नै आइसकेँ। अब यहाँ बसेर एक जग्गा कतै गाडी पार्क गर्ने हो, पार्क गरेर यसो कुद्ने हो, यसो हेर्ने हो। र यता तपाईँको यता पुरा बस्ती छ, यता यस्तो नि अन्दरमा यसो पुरा बस्ती बस्ती है। तो घुम सकते, देख सकते सारा जग्गा, इधर भी आप लोग देख सकते हैं, नो एंट्री कुछ कुछ लिखा हुआ है, एक्सिट वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर एक वाइन मिलता है जिसका नाम है टाकिन, जो कि मैं यहाँ से ख़रीदना चाहता हूँ, और उसका बहुत ही कम प्राइस है सुनने में आया है भूटान में। अब पता चलेगा कि अंदर घुस गए कि कितना क्या है, राइट। पहले तो हमें जाना पड़ेगा, उसके बाद वीडियो बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या मिलता है। यहाँ पर एक मोनेस्ट्री था, एक आदमी का पूछेंगे मोनेस्ट्री किधर है ना सर, यहाँ मोनेस्ट्री किस तरफ है, मोनेस्ट्री कुछ है ना यहाँ पर आगे। तो इन्होंने हमें मोनेस्ट्री के बारे में बताया, आगे क्या बताया, जाके देखते हैं आगे में कहाँ पर मोनेस्ट्री है, कहाँ क्या है, राइट। पुलिस वाले बता रहे थे आगे ब्रिज है, वहाँ मत जाइए, और यहाँ से ऊपर भी मत जाइए, ऊपर भी एक जाने का जगह है, जो बता रहे कि ऊपर भी हमें जाने का अलाउ नहीं है। हरा है, डांडा ही गाड़ी चल रहा है, इंडिया का गाड़ी, तो बस एक ही दो ही दिखाई दे रहा है मुझे, उतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मोनेस्ट्री मोनेस्ट्री मोनेस्ट्री, हाँ इधर से तो नहीं जाना है, इधर से ऊपर नहीं जाना, इधर से ऊपर नहीं जा सकते हैं, हमें यहाँ से नीचे ही घूमना है। यहाँ कोई मोनेस्ट्री नहीं है, इसलिए हमें उसे नहीं मालूम था मोनेस्ट्री किधर है ना। यतामाथि जानुपर्छ नि, यिनै छेउमा ओके लो, थ्याङ्क यू दिदीपट्टि भयो, डोरमा पेन्ट गरेछ यहाँ। टाकिनको दाम सोधेको 200 रुपियाँ भन्यो, अब जाने हो पहिले गाडीमा, पैसा छ गाडीमा, दुईवटा टाकिन लिएर जाऊँ भनेको थिएँ, यहाँबाट टाकिन खाइदिनुपर्छ लगेर। उहाँ गेलेपोमा खाइएको थियो, त्यहाँ त 100 रुपियाँ लियो, र यहाँ त 200 लियो। चलो केही छैन, 200-300 भइरहन्छ है, पैसा निकाल्यो, यी पत्त
रुपियाँ छ मसँग पैसा पनि ला पैसा पनि लगभग लगभग सकिएको पो रहेछ त हौ एउटा भुटानको पैसा छ अरू इन्डियन पैसा छन् लगेर उहाँ दुइटा काकु लिने हो काकी मिलेर अनि जाने उता दुइटा दिनु त दोडा दोडा दिनु म खोजिरहेको छु तपाईँलाई महिनै थिएँ किनै यसरी घुम्न आएको भिडियो बनाउँतिर जान्छु अस्ति पनि त्यस्तै पस्न मिलेर राम्ररी नै अस्ति नै बनाइन्छ भिडियो यसको दाम त 170 रुपियाँ होइन र गेलेपोमा त 170 लिएको थियो सुन्नु न अब यो डाइफम हो नि त नि यो त डाइफम हो गेलपी त फ्याक्ट्री हो नि त गेलपीबाटै आउँछ नि यो मेरै दोकान हो जति चाहिन्छ लानु यहाँबाट तर बाँकी होइन होइन यो त पुऱ्याइदिन आँटेको मेरो हाम्रै यसको दाम 200 है दिदी हाम्रो दोकान हो दिदीको पसल हो कि हाम्रो आफ्ना मान्छे अङ्कल हुनुहुन्छ बाहिर छ उनको पसल पनि उहाँको भाइ पास्टर हुनुहुन्छ र यता अरू पनि छन् भुटान पस्ने बित्तिकै टानिङमै यो चाहिँ पसल पाउनुहुन्छ नि तपाईँहरूले यहाँ पसेर यहाँ टाकिनको लागि मात्रै पस्ने हो अरू पनि छ के फाइदा राम्रो राम्रो उसकी पाउनुहुन्छ सस्तो सस्तो दाममा एज कम्पेयर टु इन्डिया ओल्मङ कहाँबाट आउँछ इन्डियाबाट नै यतिको इन्डियाको यता दाम पर्छ त्यो भने नयाँ वाइन पाइयो सुजो न सुगो के भन्ने यो लानु हो त यो कति दामको यो 210 210 रुपियाँको अच्छा यो पनि एउटा हालिदिनु त दिदी अब लान्न अब किनकि यो गेटमा यतिभन्दा बेसी लान दिन्न मलाई ती माथि यो फरेन ड्रिङ्कको खोइ लान दिन्छ कि दिँदैन म एसएसबीले धर भने त धर त यसको यसको पैसा तपाईँ दिनु म तपाईँलाई गाडीमा दिँदैछु यो सुजो पनि लग्यो यो सबै वाइन झिमझिम सुमझिम सबै पाउँछ बाप रे बाप यहाँ के छैन मिनी स्टोर छ सब कुछ छ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब पाउँछ सबै थोक पाउँछ यहाँ सबै थोक लिने हो तपाईँहरू किन्ने हो यहाँ आएर अङ्कल पनि आउनुभयो बस्नु भएको छ मसँग अब हामी जान्छौँ माथिपट्टि हो परेको अलिकति मन्दिर छ अरे मन्दिर अलिकति हेरेर आउनु पऱ्यो कस्तो छ के छ अनि के पाइन्छ इमाइग्रेसन चाहिँ यहाँ इमाइग्रेसन बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँ हामी जानुपर्छ उहाँ मेला भुटानको छेउ तामुलपुरभित्र पर्छ अस्ति गएको थियो तर त्यहाँ इमाइग्रेसन पनि बनाउने भित्रभित्र अलिकति आयो तर गेलिपु जानको लागि पनि इमाइग्रेसन चाहिने रहेछ तपाईँहरू जति सर्पङतिरबाट पस्न खोज्नुभयो भने चाहिन्छ यताबाट पनि गेलिपु पुग्छ अङ्कल यहाँबाट पुग्दैन यहाँबाट कहाँ कहाँ जान्छ बाटो यहाँबाट डाइरेक्ट तामुलपुरबाट निस्केर तपाईँ गेलिपु जानु सक्नुहुन्छ यहाँबाट तामुलपुर निक्लिन्छ निक्लेर मेला बाटो मेला भुटान निक्लिन्छ माथिबाट उदालगुडीबाट पस्नुपर्छ होइन यो बाटो चाहिँ जुन चाहिँ माथिको बाटो छ त्यो चाहिँ कहाँसम्म जान्छ यो अहिले बनाउँदैछ बाटो भएको छैन नि माथिसम्म मात्रै हो किन डुडिन्छ बाटो छ माथि त्यो माथिसम्म मात्रै यह है मंदिर यह है मंदिर यहाँ पर पूरा मंदिर है और आपको दिखा सकेंगे यहाँ पर बैठे हैं शिव जी की सवारी नंदी जी आगे हैं इधर से सारा मंदिर ऐसा है जो अंकल आ रहे हैं पीछे में और बहुत ही हेल्पफुल है वो पिछले बार भी हम जब आए थे तब हमारे पास आईडी नहीं था तो इन्होंने ही वहाँ से पुलिस के साथ बात करके अंदर घुसा के तेल भरवा के लेके चले गए थे तब हम पूरा फुल करके ले गए थे अब यहाँ नीचे में भन्नु त अंकल अलि अलि यो अलग त भैरव मन्दिर भन्छन् कि त्यो भैरव मन्दिरको लागि मतलब यहाँ त पहिल्यै बहुत यहाँ दर्शन गर्न बहुत जग्गा जग्गाबाट आएको अच्छा बिहाबारी पनि यहीँ गर्छन् अरू दर्शन गर्दा पनि बहुत बाहिर बाहिर आसामको कुना कुनादेखि पनि आउँछ अच्छा विकसित पनि बहुतै विकसित होला मन्दिर अहिले जस्ट बनाउँदैछन् अहिले राजाले अर्डर दिएर यहाँ अहिले कति करोडको बनाउँदैछ अच्छा 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 हुन त यो भुटान त हिन्दू राष्ट्र त होइन नि होइन भुटानिस बुद्धिस्टको होइन तर पनि गर्दछ उनीहरूले अच्छा 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 हिन्दू पनि मान्छ अच्छा कतिपय त्यहाँ छन् 50-50 नेपाली र भुटानिस त 50-50 होला भुटानतिर नेपाली
अच्छा अच्छा तो देखना तो फ्रिज गेट बड़ा देखता हेर्दा खेरि टक्रक्क देख्नु हुन्छ जति सबै क्लियर घाँस सास सब हटायो भने यो पछि त कन्स्ट्रक्सन भइसकेको पछि त राम्रो हुन्छ होला पनि राम्रो हुन्छ होला त पुरा यस्तो जङ्गलै जङ्गल त केही छैन अरू बेसी बेसी अरू एक वर्ष लाग्ला होला वर्ष एक वर्षमा भइजान्छ न मन्दिरको नाम हो भैरव मन्दिर त मलाई देख्न पाउनुहुन्छ यसमा म छु यता यता यो जुन ढुङ्गा छ बहुत बिक्री ढुङ्गा हो र यसको बारेमा पनि बहुत ठुल्ठुलो कहानी लेखिएको छ गरिएको छन् जोडिएको छ तपाईँहरू आएर यहाँ दर्शन पनि गर्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि छ मन्दिर जुन चाहिँ पुरानो मन्दिर छ त्यो अहिलेसम्म जस्तोको त्यस्तै छ त्यसमा केही भएको छैन सर तल के छ तल पनि बाटो त नदी छ माथि हामी जाउँ माथि यस्तो सब ठाउँमा यसरी हामी जान सकिन्छ र बाहिर अङ्कलको बाहिर गेटको छेउमै मुखैमा पसल छ त्यहाँ तपाईँहरूले लन्च डिनर सिनर सबै पाउनुहुन्छ त्यहाँ अहिले त्यो अङ्कलको त्यो पनि देखाउने हो त्यहाँ गएर आज अङ्कलकोमा थुप्पा खाने एकदम स्पेसियल बनाउँछन् अङ्कलको एकजना छोरा छन् बहुत राम्ररी बनाउँछ उनकोमा त्यो थुप्पाको बनाएको पनि देखाउने हो र कस्तो लाग्छ खाएर तपाईँलाई त्यो बताउनु हो कानमा दोडा कुरा फुकेर आउनु पर्यो भएको कानमा दोडा कुरा फुकेर आउँछु म यहाँ सब फुक्छ नरे क्या कानमा कानमा भनिदिनु पर्यो दोडा कुरा